अब तो इस भाई और ऐसा हाल हो चुका है कि बिस्तर दे दो सो जाएं, बैठने को ही मत बोलो हो। तब भाग लिए, अब स्पीड पे भाग रहे हैं, अब सब पीछे रह गए, दीपक और काजल प्रतीक, मैं आगे आ गई हूँ, जोश आ गया है डांस करके। जय माता दी। दोस्तों, बहुत ही खुश मन के साथ मैं दिव्यांशा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ वैष्णो देवी की यात्रा में और मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। वैष्णो देवी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस व्लॉग में मिलेगी। ताराकोट मार्ग भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो पुराना वाला रास्ता है वो भी आपको दिखाऊंगी। ऊपर भवन में कालका भवन, मनोकामना भवन, दुर्गा भवन, किस तरीके से बुकिंग हो सकती है, कैसे जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, यात्रा को शुरू करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ कटरा के रेलवे स्टेशन पर, पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस खड़ी है, इसी ट्रेन से हम लोग आए हैं। तो बस अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। अभी का ये प्लान है कि हम लोग अभी कोई छोटा मोटा ऐसी होटल देखेंगे जहाँ पे हम एक दो घंटा ऐसी रेस्ट कर लेंगे। हमारा प्लान है कि 9:30-10 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके हम लोग चढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि हमने ऊपर भवन पे रूम ले रखा है, तो हम सीधा चढ़ाई करके ऊपर भवन पे ही जाके अपना रूम में स्टे करेंगे। तो दोस्तों, इस बार इस यात्रा में मैं, दीपक बनी तो है ही हैं, और साथ ही में मेरे दोनों जेठ जेठानी के दोनों बच्चे यहाँ पे मेरे साथ में हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनके साथ भी। ये है Hello. काजल, और ये है प्रतीक। Hello. ये है पीछे आपके दीपक, और ये मेरा छोटा सा बनी। बनी हाय कर दे, हेलो कर दे, हेलो। तो ये हमारा कटरा का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी यात्री वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आते हैं, सबको ही यहाँ पर यात्रा पर्ची बनवानी पड़ती है, RFID कार्ड बोलते हैं उसको। चाहे वो छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, बड़े लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको RFID कार्ड बनता है। आप देखिए यहाँ पर ये क्यू लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पे दो जगह ये RFID कार्ड बनता है। एक है बस स्टैंड पर, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले व्लॉग में, एक है यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे है, और एक तीसरा यात्रा पर्ची काउंटर है। अगर आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है तो आप हेलीकॉप्टर के टर्मिनल पे जाकर पे के भी अपना यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर अपना यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय माता की दोस्तों। तो अब हमारी चढ़ाई हो गई है शुरू। टाइम हो रहा है इस वक्त 12, लेट हो गए हम लोग। होता ही है दोस्तों, यहाँ पर ना दो रास्ते हैं, एक है पुराने वाला जिसमें शॉप्स ही शॉप्स हैं, खूब रौनक से आप होते हो निकलते हो, रास्ते में आपका चरण पाद का भी आता है, गीता मंदिर आता है, पर उसमें ये है कि उसमें बहुत घोड़े चलते हैं साथ साथ, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और एक ये नया रास्ता बना है, ताराकोट मार्ग बोलते हैं इसको, इसमें कह रहे हम भी पहली बार ही जा रहे हैं इस रास्ते पर, इसमें कहते हैं कि खड़ी चढ़ाई नहीं है, रास्ता 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है पुराने वाले से। अभी हमारा प्लान ये है कि हम जाती बारी इस रास्ते से जाएंगे, वापसी उतराई में हम लोग पुराने रास्ते से आएंगे, तो मैं आपको पुराना रास्ता भी उतराई के टाइम पे दिखा दूंगी। तो वहाँ पे हमें ऑटो वाले ने ड्रॉप किया था, ऑटो ने हमसे ₹200 लिए हैं, और वहाँ से ही हमने प्रैम ली बनी के लिए, और यहाँ से अंदर जा करके इस फ्रिस्किंग पॉइंट से निकल करके हमें अपना स्कैनिंग करके फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। जय माता दी, यात्रा शुरू करते हैं। देखिए ये है वो RFID कार्ड जो मैं कह रही थी ना, यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करवा के मिलता है, ये हमें गले में टांग के रखना होता है जब तक हम यात्रा कर रहे हैं। जब हम वापसी उतरेंगे बाणगंगा से बाहर,
तो हम इसको वहीं पे वापस ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों अभी सिर्फ 2 कदम की चढ़ाई करी है, मतलब आप ये लगा लो मैंने 50 मीटर भी नहीं चला होगा और मुझे गर्मी लग गई क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो मेरी जैकेट उतर गई है। नो डाउट ये रास्ता साफ सुथरा है, घोड़े नहीं है, भीड़ नहीं है। तो ये पहली 3-4 दुकानें आई हैं इतनी दूर बाद जहाँ पे चाय मिल रही है और कुछ चुन्नी उन्नी वगैरह आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चढ़ाई में लेनी बहुत मैंडेटरी है वो है ये लाठी, ज़रूर लीजिए, इससे बहुत रास्ते में आपको फ़र्क पड़ जाता है। छोटी सी कैट है मानो बिल्ली। भूख लगी है आपको? भूख लगी है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या खाओगे? तो बहुत छोटा बेबी है, चलो देखते हैं आपको क्या खिलाते हैं, खिला सकते हैं। टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पर सब है रास्ते में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी देर में आपको मिल ही जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ हमने क्या प्लान करा है यहाँ पर, जिस तरीके से हम हमेशा ही जाते हैं अगर हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, हम लोग चढ़ाई करते हैं और वहीं पर ही कमरा लेके कालका भवन में या दुर्गा भवन में या मनोकामना भवन में रात को वहीं रुकते हैं दर्शन करने के बाद, अगले दिन सुबह भैरव बाबा के दर्शन करके फिर हम वापसी के लिए आते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अर्ली मॉर्निंग का हेलीकॉप्टर जाने का ले लो, लेट इवनिंग का हेलीकॉप्टर वापसी का ले लो और रात को वहाँ रुकने की आपको फिर ज़रूरत नहीं है। तीसरा तरीका जो हमने एक और लिया क्योंकि बनी साथ में है कि हम अर्धकुंवारी तक पैदल जाएंगे, उसके बाद हमारा ऑटो बुकड है, उसके बाद हमारा दुर्गा भवन में रूम बुकड है, रात को दर्शन करके वहीं रुकेंगे, अगले दिन भैरव बाबा करके वापसी ऑटो से करके फिर अर्धकुंवारी से कटरा तक पैदल। एक ये आपका रूट है जो आप ले सकते हैं। ये देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है, वैष्णो देवी की यात्रा में कहीं भी आप अगर परेशान होते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीछे से आपको सुनाई दे रहा होगा जय माता दी का जयकारा चल रहा है, जय माता दी। आगे प्रेम में जा रहे हैं दीपक और बनी, मतलब बनी प्रेम में, दीपक साथ साथ, और काजल प्रतीक तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको भवन पे रूम बुक करना है तो उसके लिए क्या करना है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे आपकी स्टे से एग्जैक्ट 2 महीना पहले आपको वेबसाइट पे जाके अपने लिए रूम बुक करना होगा। दुर्गा भवन में करना चाहते हैं या फिर कालका में, फिर आपका मनोकामना है, गौरी भवन है, गौरी भवन और आई थिंक वैशाली भवन करके कुछ है या वैष्णवी भवन है, वो थोड़ा दूर पड़ता है। दुर्गा भवन जो नया बना ना बिल्कुल ही भवन के सामने है और 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो रूम बुक करने के लिए आप पहले से ऑनलाइन बुक करके आइए अगर आप सीज़न में आ रहे हैं। ऑफ सीज़न में मेरे ख्याल से जाके भी बुकिंग हो जाती है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपको रूम नहीं बुक करना तो दुर्गा भवन में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कंबल फ्री में मिल जाता है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह शायद जमा करानी पड़ती है, उसके बाद अपना कंबल बिछाइए और हाफ हाफ वॉल्स के ना रूम बने हुए हैं, तो काइंड ऑफ छोटा सा कैबिन सा हो जाता है आपकी अपनी फैमिली के लिए प्राइवेट, तो आप वहाँ जाइए। कॉमन वॉशरूम्स हैं, 5 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, किसी में आपका इस तरीके के हॉल बने हुए हैं, किसी में आपका डॉर्मिटरीज हैं, किसी में रूम है, इस तरीके से दुर्गा भवन का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ नहीं होता तो आप मनोकामना भवन में डॉर्मिटरी ट्राई कर सकते हैं और फिर गौरी भवन वगैरह तो है ही। ये देखिए ना इस तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पे पूरे रास्ते में चल रही हैं और हमको प्रेम वाले भैया ने बताया कि आप इनसे भी लिफ्ट ले सकते हैं, पर ये 500 रुपये लेते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। इसमें ये स्पीकर है, थोड़ी थोड़ी देर में इन थोड़ी थोड़ी जगह पे स्पीकर लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इन स्पीकर्स में मैया रानी के अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं। मैया रानी की यात्रा करने आए हो, चढ़ाई करने आए हो तो आनंद तो आता है, चाहे हेलीकॉप्टर से जा रहे हो चाहे ऑटो से जा रहे हो, एक मन में अलग ही उत्साह होता है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मेरी मैया रानी से मिलने जा रहे हैं। मन बहुत खुश है कि आज पूरे 1 साल बाद मैया रानी ने बुलावा भेजा है, दर्शन करने जा रहे हैं। दूर दूर तक दीपक एंड मंडली कोई नहीं दिख रहा, ये लोग फिर बहुत आगे निकल गए हैं। मैं चलती बहुत धीरे हूँ, मैं क्या करूँ, बट सही है। इधर देखो पूरा आपका कटरा शहर का नज़ारा एक बार फिर से, बहुत सुंदर है। आगे मैकडोनल्ड्स, आई थिंक 2-1 किलोमीटर में चल गई हूँ, उसके बाद ही आया है। देखिए इस पिक्चर में आपको थोड़ा समझाती हूँ, ये है दुर्गा भवन जो 5 फ्लोर की बिल्डिंग में कह रही हूँ, यहाँ पर ये है आपका मातरानी का भवन ये वाले एरिया में, और ये पूरा आपका कालका भवन है, और बाकी ये सब बेदिंग हार्ट और क्लॉक रूम वगैरह है,
इधर भी आगे जाके आपका मनोकामना वन डॉर्मेट्री वगैरह सब आ जाता है, ऊपर उधर जाकर के आपका रोप वे आ जाता है, और फिर ऊपर जाकर के वहाँ पे मेरे ख्याल से उधर कहीं पे भैरव बाबा का है आपका लंगर हॉल। यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लंगर लीजिए, यहाँ से खाना खाइए, खाने के बाद आप फिर यहाँ जा करके खुद अपने बर्तन आपको धोने हैं, ये आपका सिस्टम है। दान पात्र के लिए आप इसमें दान डाल सकते हैं और वहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। हॉल से निकले हैं और सब साथ में हैं, और ये रहा हमारा बनी बनी, हेलो कर दे प्रेम में, और ये बस अभी साथ में निकले हैं, थोड़ी देर बाद फिर आप देखिएगा सब गायब हो जाएंगे, मैं अकेली चल रही होंगी। तो हम लोग लंगर हॉल से निकल करके आए हैं, और जैसा कि प्रेम वाले भैया ने बोला था कि थोड़ी चढ़ाई आसान हो जाएगी यहाँ पर, तो हाँ थोड़ा डिफरेंस तो है, मतलब चढ़ाई लगातार है, बीच में थोड़ी हल्की चढ़ाई हो जाती है, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई टाइप आ जाता है। खड़ी चढ़ाई तो नहीं है वहाँ के जैसी, बट वहाँ से थोड़ी कम है, पर फिर भी तेज़ चढ़ाई है। कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पुराने रास्ते से और इस रास्ते को, तो ये रास्ता ईजी है उससे, तो ये तो रेकमेंडेशन तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें, अब सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अब जैसे मेरा जैसा इंसान वो ये बोलेगा कि भैया थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं चल लूँगी, बट रौनक में खाते पीते इंजॉय करते हुए चलना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे शांति है, यहाँ ज़्यादा अच्छा है, साफ है, प्लेन है, इतना अच्छे से पूरा रास्ता मेंटेन किया हुआ है, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ से भी आ सकते हैं। दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, अपने अपने तरीके से जो आपको सही लगे आप वो डिसाइड कर सकते हैं। आई थिंक वो है शॉप जो मैं चाह रही थी मुझे मिले, मुझे चढ़ाई पर यही चाहिए होता है, तो फाइनली मुझे एक शॉप मिली यहाँ पर भी जो ये देगी, जय माता दी। तो ये चाहिए था मुझे, जो यहाँ पे शॉप मिल गई है, इनके यहाँ पे पूरा फ्रूट चाट है, मिक्स्ड बनाते हैं, पर मुझे तो सिर्फ यही चाहिए था। जय माता की, जय माता की आंटी, जय माता की। 3-3.5 किलोमीटर चल के आ गई ऊपर, और अब मुझे लग रहा है कि अब ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा प्लेन, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी प्लेन, थोड़ी चढ़ाई, एंड आई थिंक दैट्स गुड। बाहर बनी वो प्रेम में सो रहा है, और ये हमारा सैंडविच आ गया। अर्धकुंवारी 1.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर हम चलाए हैं, और अभी ये रास्ता वैसा हो गया है, खूब सारी चढ़ाई और थोड़ा सा प्लेन ऐसे बना रखा है। ऊपर से यहाँ से लैंडस्लाइड वगैरह होती होगी, पत्थर देखिए बड़ा सा एक पत्थर भी गिरा हुआ है, तो पत्थर वगैरह झड़ते होंगे उसको रोकने के लिए, जगह जगह पर इस तरीके से लगाए हुए हैं। तो फाइनली मैं अर्धकुंवारी पहुँच गई हूँ। ऊपर देखिए यहाँ लिखा है 24 घंटे निःशुल्क लंगर। ये वाला जो रास्ता जाएगा, ये हेमकोटी वाला रास्ता है, जो नया वाला रास्ता बना हुआ है, वैसा ही है जैसा अभी ताराकोट वाले रास्ते से आई हूँ, उसी तरीके का रास्ता है ये भी। और अगर आप इधर चले जाते हैं तो इधर भी आप ये देखिए 2 रास्ते कट रहे हैं। चलिए मैं आगे चल के दिखाती हूँ आपको। यहीं पर ही देखिए आपका JNK का ATM भी है। ये नीचे जाना है, देखिए बैटरी कार नीचे खड़ी हुई है, इसको बेसिकली बैटरी कार बोलते हैं हम लोग, ऑटो ऑटो ही बोले जा रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है ये आपका आ रहा है कटरा से बाणगंगा चरण पादुका की तरफ से होता हुआ पुराना वाला रास्ता, जो हमने बचा करके ताराकोट से आए हैं। फिर आप ये अगर आप घोड़े पे हैं तो आप इधर से ही यूँ घूम जाते हैं, और ये पुराने वाले रास्ते से जो सबसे पुराना रास्ता है भवन तक जाने के लिए, वो फिर ये वाला रास्ता, और इसी रास्ते में आपका ऊपर वो अर्धकुंवारी का मंदिर वहाँ पर आ जाता है, गुफा मंदिर। और इसके बाद में एक जो नया रास्ता आया है अर्धकुंवारी से भवन तक का, वो ये वाला रास्ता है, यहाँ से आपका रास्ता होता है भवन जाने के लिए। और ये रास्ता में उतराई चढ़ाई वैसी है जैसे मैं ताराकोट में आपको दिखा के आई हूँ। और वो देखिए वो आपका बैटरी कार का टिकट काउंटर है, और वहाँ से देखिए उधर की साइड से आएगा ऑनलाइन बुकिंग वाले लोग, तो काउंटर खुलते ही वहाँ से ऑनलाइन के लिए लाइन आ जाएगी। और ये है जो रियल टाइम की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर पूरी चेयर्स वगैरह अच्छे से लगी हुई हैं। ये हैं टाइमिंग्स, फर्स्ट ट्रिप जैसे लिखा है 8 बजे, और लास्ट ट्रिप है 10 बजे, और हमारा देखिए 5th ट्रिप है 5:30 बजे जो चलेगी। ये देखिए टिकट वैलिड टिल 10 मिनट्स, और तो 5 बजे 5:15 बजे जितने बजे भी काउंटर खुलेगा उस हिसाब से हम अपनी ऑनलाइन बुकिंग के अगेंस्ट अपनी टिकट्स ले लेंगे। और फिर जो उधर रियल टाइम वाले लोग खड़े हुए हैं उसमें भी वो लोग प्रायोरिटी देंगे, पहले हैंडीकैप्स को, ओल्ड एज पीपल को, और फिर उसके बाद नॉर्मल वालों का नंबर आएगा। हम लोगों को मिला है व्हीकल नंबर 9 और 10, 2 टिकट 9 में 2 टिकट 10 में, तो बस अब जा रहे हैं। जय माता की, बनी हेलो। तो जी ऑटो में हम लोग बैठ गए हैं, और ये देखिए बाहर का नज़ारा, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अगर चलते चलते मैं दिखा पाऊँ तो नहीं आएगा चलते हुए में, इट्स ब्यूटीफुल। और नीचे देखिए हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं कटरा शहर से।
तो ये वहाँ हम ऑटो से उतर गए हैं। ये सामने पार्वती भवन है और ये देखिए पार्वती भवन में ये क्यू लगी हुई है लॉकर्स लेने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे सबको लॉकर की अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट फ्लोर पे लॉकर का एरिया है जहाँ पे जाकर के अपना सारा सामान रख देते हैं, और सेकंड फ्लोर पे लेडीज के लिए बाथरूम और टॉयलेट्स हैं, और थर्ड फ्लोर पे जेंट्स के लिए बाथरूम और टॉयलेट हैं। आप अपना यहीं पर नहा करके लॉकर में सामान रख करके आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर यहीं पे ही उतरते ही आपका भेंट शॉप है, आप यहाँ से भेंट ले लीजिए। भेंट मतलब माता रानी को जो हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है, नारियल के साथ जो है वो 100 का है और बिना नारियल के 50 रुपये का है। सुबह 6:45 से 6:15, दोपहर को 1:30 से 2:15 और रात को 9:30 से 10:15 ये बंद रहता है। ना ठंड बहुत तेज़ हो गई है, हवा चल रही है और हाथ में मैंने नहीं पहने हुए ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स पहन के फिर मैं मोबाइल नहीं ऑपरेट कर पाऊँगी, मेरी बन रही जम रही कुकड़ी यहाँ पे, हाथ सुन हो गए हैं। तो ये 100 रुपीज़ का विद नारियल है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, फुल्ले का प्रसाद है, दाने वाला मीठा प्रसाद है और नारियल चुन्नी। और यहीं से आप देखेंगे ना आपके लॉकर एरिया शुरू हो जाएंगे। तो लॉकर का क्या होता है सिस्टम, आप अपना ताला लाएँ तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाइए जहाँ पे लॉकर्स हैं, जौन सा लॉकर खाली है उसमें आप अपना ताला लगाइए, अपना सामान रखिए और आप नहाने के बाद अपना दर्शन करने चले जाइए। तो ये आपका आ गया मनोकामना भवन 1, जहाँ पे देखिए भोजनालय और डॉर्मिटरी दोनों हैं। यहाँ पर जाकर के आप डॉर्मिटरी के बेड ले सकते हैं और यहीं पे आप बाथरूम भी हो जाता है, नहाने का गीज़र का हिसाब है। और ये सामने ही मनोकामना भवन का भोजनालय है फेज 2, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पर आपको खाने का सब सामान मिलता है। अगर आप पीछे से भेंट लेना मिस हो गया तो आप यहाँ से भी भेंट ले सकते हैं। वो मनोकामना भवन ये भेंट शॉप और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए फ्री अकोमोडेशन के लिए नीचे जाना है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हिसाब है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा करके, आई थिंक कंबल वगैरह मिल करके नीचे हॉल होगा जिसमें आप लेट सकते हैं। ये सागर रत्न है, यहाँ से डिवीजन है, ये देखिए 3 तस्ते कट रहे हैं, एक जो हम नीचे से आए हैं हिमकोटी वाले मार्ग से, एक ये ऊपर जा रहा है भैरव और एक आपका ये जा रहा है भवन पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए एंट्री नंबर 3, गेट नंबर 3 और 5 के लिए आपको यहाँ से सीधा जाना है। अपने लॉकर में सामान रखिए, नहाना धोना कर लीजिए, आगे भी लॉकर है, आगे भी नहाने का है, और फिर आपको यहाँ पर आकर के इधर से लाइन में लगना पड़ता है जहाँ से भी एंट्री स्टार्ट है। और अब तो ये लाइन बढ़ती जाएगी क्योंकि आरती के लिए रोक रखा है उन्होंने सब कुछ। और ये आपका नया स्काई वॉक बना है, तो ये देखिए स्काई वॉक की बहुत सारी वीडियोज़ आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे देखी होंगी जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो गेट नंबर 5 आगे जा कर के है, जो कि VIP लोगों के दर्शन है या फिर जिनके पास हेलीकॉप्टर की टिकट्स हैं वो गेट नंबर 5 से जाते हैं। अगर उन्हीं लोगों को स्काई वॉक से जाना है तो उनकी एंट्री यहाँ गेट नंबर 3 से है। वह बेदिंग घाट स्नान गृह आपको आगे नीचे 100 मीटर हेड मिलेगा नियर पुलिस स्टेशन। इस तरीके से आपको जगह जगह पे स्नान गृह मिलते हैं। तो ये शिव गुफा के बारे में है, बिल्कुल माता रानी के दर्शन करके जब गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे होते हैं ना, वहीं बिल्कुल सामने नीचे शिव जी की गुफा के लिए जाते हैं। आई थिंक 50-60 के करीब सीढ़ियाँ होंगी, पर वो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ तो उतरना बहुत मुश्किल होता है। नीचे पूरा शिव परिवार है और पानी भी नेचुरल बहता रहता है, वहाँ पर वही लिखा था कि नेचुरल पानी वहाँ पर है जैसे माता रानी के दरबार में है। और यहीं पे आपका देखिए डोनेशन काउंटर और इंक्वायरी काउंटर है, अगर आपको किसी का कोई आपके आगे पीछे हो गया तो आपको अनाउंसमेंट करानी हो तो आप उनका नाम लिख दे करके यहाँ पे अनाउंसमेंट करवा सकते हैं जितनी बारी आप चाहें। कालका भवन में अगर आपको गीज़र के पानी से नहाना है तो किस तरीके से आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, मैंने अपनी पिछले साल वाली वीडियो में भी दिखाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप कालका भवन जा सकते हैं। ये देखिए सामने लिफ्ट है, इस लिफ्ट से ऊपर जाके वहाँ जाके आपकी रूम नंबर 4 की रिसेप्शन आती है। वहाँ पर 70 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर आपको देना पड़ता है और वहाँ पर आपको 2 वॉशरूम होते हैं जिसमें गीज़र लगा हुआ है, तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। बाकी कालका भवन के रूम के लिए बुकिंग आप ऑनलाइन करके आइए, ऑनलाइन नहीं किया यहीं पे आके कराना है तो वो दुर्गा भवन में होती है। देखिए ये आपका गेट नंबर 5, तो इधर से आपके गेट नंबर 5 की एंट्री और ये सामने आपका दुर्गा भवन है। ये हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग, अटकारती के लिए बुकिंग सब कुछ यहीं से है। दुर्गा भवन आपका यहाँ पर है, ये आपकी सारी देखिए क्यू चल रही है, भवन पे दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं अंदर अंदर से। तृप्ति भोजनालय जो दुर्गा भवन के अंदर है, ये आपकी डिस्पेंसरी है, अगर आपको कुछ भी तबीयत खराब वगैरह लगती है यहाँ पे आई थिंक डॉक्टर्स भी बैठते हैं। देखिए अंदर सारा बेड भी हैं आपके अटेंड करने के लिए, डॉक्टर भी होते हैं, आपको सब दवाई वगैरह मिल जाती है। सोवेनियर शॉप, प्रसाद केंद्र भी है, तो यहाँ पे आपको सोवेनियर भी मिल जाएगा। ये आपका हनुमान जी का टेम्पल है, वो आपका राम मंदिर है। अब वो देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है ना,
यहाँ से देखिए लोग नीचे सीढ़ियों से जा रहे हैं, यहीं से नीचे जाके आपकी शिव जी की गुफा है जो मैं आपको बता रही थी। तो इधर से ही नीचे जाके आपका राम मंदिर की जगह एंट्री आती है और फिर वहीं से आप नीचे जा करके शिव जी की गुफा कर लेते हैं और उधर से ही आप भवन से दर्शन करके आते हैं। ये देखिए अंदर जब आप दर्शन करने जाते हैं, बाहर से थोड़ी सी झलक देख लीजिए मैया रानी की, क्योंकि जितनी देर आप दर्शन की लाइनों में लगते हैं तो जगह जगह पे मैया रानी की मूर्तियां हैं जहां पे आप प्रणाम करते हैं और फिर आप आगे जाते हैं पिंडी रूप के दर्शन करने। लीजिए घर बैठे बैठे आप भी मैया रानी के दर्शन कर लीजिए, हम भी दर्शन कराए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं और अब हम चलते हैं सोने और आप सबको मिलते हैं सुबह। तब सुबह हो गई है और हम लोग चले वापसी। ये देखिए वहाँ से हम लोग चलते हुए आए हैं, वो सामने आपको दिख रहा है वो कालका भवन है, आपका दुर्गा भवन है, ये आपका वैशाली भवन है और ये आपका ऊपर गौरी भवन है। इतनी लंबी लाइन है, पूरी लाइन वहाँ से होकर के अंदर होते 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 फिर हम रोपवे पे पहुँचेंगे। वो आपका भैरव बाबा का मंदिर है, बोलो भैरव बाबा की जय। और यहीं भैरव बाबा के आंगन से आपको मैया रानी का दरबार फिर से दिखाती हूँ। ये है, यहाँ से अंदर जाके मैया रानी का भवन है, बाकी ये सब तो रहने की खाने की नहाने की जगहें हैं। ये देखिए लाइन अंदर जा रही है वो ऊपर भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए। तो भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं, बस अब ये यहाँ पे रोपवे से नीचे जाएंगे और ऑटो लेंगे। देखिए ये वहाँ से हम बैटरी कार से आए हैं, वही हिमकोटी वाला रास्ता है और अब हम यहाँ से पुराने वाले रास्ते से चल रहे हैं। ये बनी को हमने प्रैम करवा दिया, आइए मैं आपको बनी दिखाती हूँ क्योंकि ये तो फिर आगे पीछे हो जाएगा, फिर नहीं दिखता। बनी हेलो कर दो। ये ले लिया एक अमरूद कटवा के और उधर एक मिल गया, ये मिल गया है खीरा कटवा के और अपनी मौज है। दोस्तों धूप हो रही है तेज और उतराई कर रहे हैं, स्वेटर जैकेट शॉल सब उतर गया है और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये सूट ना इसके नीचे इनर वार्मर पहने हुए थे, मुझे लग रहा है मैंने हाय वो भी क्यों पहन लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर कोई बात नहीं चल ही रहे हैं। जय माता की। अब बाणगंगा रह गया करीबन 2 किलोमीटर और यहाँ से आप ये देखिए सब शॉप स्टार्ट हो गई हैं, मौज ही मौज है और चलने में भी आनंद आएगा, ऊपर भी चलने में आनंद आएगा क्योंकि इस रास्ते पे भीड़ ज़्यादा है, घोड़े हैं पालकी हैं, चलने में थोड़ा ट्रबल होता है बट जब आप इतने सारे लोगों के बीच में चलते हो तो आपको चलने में अच्छा लगता है। ये है चरण पादुका का मंदिर, यहाँ पे मैया रानी ने खड़े होके पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव पीछे आ रहा है कि अभी भी कि नहीं आ रहा और फिर मैया रानी के यहाँ पे पैरों के चिन्ह छप गए थे। यहाँ पे अंदर है मंदिर जहाँ पे मैया रानी के चिन्ह पैरों के चिन्ह के दर्शन होते हैं। अब तो इस बाईगढ़ ऐसा हाल हो चुका है कि बिस्तर दे दो सो जाए, बैठने को ही मत बोलो, अभी पता नहीं चल 1-1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। मैंने अभी तक उतराई करी है लगातार बिना बैठे और चरण पादुका पे शूज पहनने के लिए बैठ गई, उसके बाद ऐसे हो गए कि यार बस अब मेरी वॉक ही देख लो कितना धीरे धीरे मटकते कर रही हूँ, अब नहीं मन कर रहा चलने का बिल्कुल भी। भाग लिए, अब स्पीड पे भाग रहे हैं, अब सब पीछे रह गए, दीपक और काजल प्रतीक, मैं आगे आ गई हूँ, जोश आ गया है डांस करके। एक ये मंदिर आता है, हर हर महादेव, बोलो सरस्वती माता जी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक ये है गीता मंदिर, बेदिंग घाट, इधर से जब आप बाणगंगा से इधर से आते हैं ना तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही ये बेदिंग घाट आ जाता है। मतलब इस वक्त यहाँ पे इतनी ठंड है और आई एम श्योर ये पानी भी बहुत ठंडा होगा, ये इन सब में बहुत हिम्मत है कि ये नहा रहे हैं इस पानी में, बट मैया रानी का नाम लेके मैया रानी को मन में रख के सब हो जाता है।
बोलो मैया रानी की जय। ये है द्वार जो बाणगंगा के बाद एंट्री द्वार है मेन, और इधर हम जा रहे हैं नीचे बाणगंगा के लिए। यहाँ से जाके नीचे बाणगंगा है, तो ये है जो मेन बाणगंगा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों यात्रा हमारी हो गई है संपूर्ण। ये देखिए ये यहाँ लिखा है संपूर्ण। और जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हमारा वो है मेन एंट्री द्वार, वहीं पे फ्रिस्किंग पॉइंट भी है और सब लोग वहीं से अंदर जाते हैं। वो ऊपर से जाना होता है, बट पहले क्या होता था वहीं से एंट्री थी वहीं से एग्जिट थी, पर उन्होंने अब चेंज कर दिया, वहाँ से एंट्री कर दी है और वहीं से छोटा सा रास्ता काट के यहाँ नीचे से हम लोग एग्जिट करके आ गए हैं। इस तू ही बचाता बस। तो इसी आशा के साथ कि माता रानी फिर से अगले साल दर्शनों के लिए बुलाएंगी, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यही खत्म। आप सबसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।